साइड टू लाइन सच एच ए बी इक्वल टू ए सी सबसे पहले हम क्या करते हैं जो जो, जो दो लाइन दिए हुए हैं उसको सिम्पलीफाई करते हैं तो यहां से हो जाएगा थ्री एक्स प्लस में क्या दिया है फोर वाई दिया है इक्वल टू तो क्या फाइव दिया हुआ है और नेक्स्ट क्या दिया है फोर एक्स माइनस में क्या दिया है थ्री वाई इज इक्वल टू फिफ्टीन दिया हुआ है तो इसको जब यहाँ से मैं सिम्प्लीफाई करूँ तो क्या वैल्यू हो जाएगी हो जाएगा फोर वाई हो जाएगा इक्वल टू तो क्या जाएगा माइनस ऑफ हो जाएगा क्या थ्री एक्स प्लस में फाइव हो जाएगा तो हमें वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से हो जाएगा क्या माइनस में हो जाएगा क्या थ्री वाई हो, हो जाएगा फोर एक्स प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ से फाइव बाई फोर हो जाएगा और जब यहाँ को मैं सिंप्लीफाई करूंगा थ्री वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर हो जाएगा क्या फोर एक्स यहाँ से जिसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो हमें थ्री वाई की वैल्यू क्या फाइंड आउट हो जाएगी थ्री वाई इक्वल टू हो जाएगा क्या फोर एक्स प्लस में क्या माइनस में क्या फिफ्टीन आ जाएगा माइनस ऑफ क्या हो जाएगा फिफ्टीन जब यहाँ से इसको मैं सिंपलीफाई करूँगा तो बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से हो जाएगा फोर बाई हो जाएगा थ्री एक्स माइनस में क्या फाइव आ जाएगा तो जब यहां से मैं कंपेयर करूंगा इस दोनों लाइन को तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा यहाँ से एम वन एम वन इक्वल टू क्या माइनस में क्या थ्री बाई फोर हो जाएगा और एम टू की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से एम टू इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से क्या फोर बाई थ्री आ जाएगा ठीक

इसको जब यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे तो कुछ ही इस तरीके से होगी पॉइंट ए पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे क्या नाइन्टी डिग्री एंगल पर पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ इक्वल एक एक हो जाएगा फिर हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पॉइंट और सी चूज इन ऑन टू टू सच एज इक्वल मतलब हम हाँ पे क्या करते हैं कि अगर एक पॉइंट हम यहाँ पे क्या चूज कर लेते हैं पॉइंट बी चूज करते हैं और पॉइंट यहाँ से क्या सी चूज कर लेते हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में यहाँ से क्या इक्वल हो जाएंगे ठीक तो जब यहाँ से इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी ये लाइन हम यहाँ से इसको इक्वल चूज करेंगे जब तो यहां से कुछ ऐसे पास होगी तो इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां से क्या हो जाएगा से ये लाइन क्या ऐसे पास होगी ठीक यहाँ से ये पॉइंट हो जाएगा इसको हम यहाँ से क्या बी कंसिडर कर लेते हैं दिस इज द पॉइंट बी ये हो जाएगा यहां से क्या पॉइंट बी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा यहाँ से पॉइंट सी हो जाएगा ठीक तो ये पॉइंट बी और सी आ गया तो हमें यहाँ पर पता है कि जब कोई भी ट्रंगल जब कोई भी दो लाइन आपस में कल हो तो इनके अपोजिट एंगल भी होते हैं मतलब कि ये एंगल जो होगा और ये एंगल क्या हो जाएगा यहाँ से ये इक्वल हो जाएगा तो ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा यहाँ से थीटा हो जाएगा तो हम क्या करते हैं यहाँ से किसी के एम वन और एक एम टू कंसिडर कर लेते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हमें यहाँ पर क्या दिया है बी सी बी सी इक्वल टू सॉरी हमें हाँ पे क्या चाहिए स्लोप ऑफ क्या चाहिए फाइंड आउट अगर आ, यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन दिया फिर हम बात बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि एक पॉइंट क्या है द द पॉसिबल इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी पासिंग से पास हो रहा है 1, 2 से पास हो रहा है तो वन कॉमा टू से पास हो रहा है मतलब कहीं यहां पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा दिस इज वन कॉमा क्या टू आ जाएगा ठीक तो इसको हम वन कामा टू हो गया तो इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हमें यहाँ पे क्या देखा है कि ए बी

दो लाइन दी हुई उनके बीच एंगल कुछ दिया हो तो और उनके स्लोप क्या एम वन एम टू हो क्या फॉर्मला होता है अगर यहाँ पे क्या अगर टेन थीटा इक्वल टू होता है क्या मॉडुलस मॉडुलड बाई वन प्लस एम वन एम टू और हमें यहाँ पे क्या दिया टेन थी थीटा क्या फोर्टी फाइव डिग्री दिया हुआ है तो यहां से इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो क्या वैल्यू हो जाएगी यहाँ से आ जाएगा टेन ऑफ हो जाएगा यहाँ से क्या फोर्टी फाइव डिग्री हो, क्या? M1 M2. M1 M2 क्या हो, हो जाएगा यहाँ पे एक एंगल क्या थ्री क्या? फोर है एम टू क्या फोर तो यहाँ से एक स्लोप ले चलेंगे तो यहाँ पे क्या? क्या? क्या, क्या हो जाएगा थ्री वाई हो जाएगा फोर और होल जाएगा यहाँ से ये वन माइनस में हो जाएगा क्या थ्री एम बाई क्या फोर आ जाएगा तो टेन फोर्टी फाइव डिग्री बोले क्या हो जाएगा यहाँ से वन के इक्वल हो जाएगा तो जब, यहां मैं तो M.. तो तो जब यहां से उसको सिंप्लीफाई करूं तो क्या वैल्यू हो जाएगी हो जाएगा फोर एम हो जाएगा प्लस हो जाएगा थ्री डिवाइड बाई क्या जाएगा यहां से फोर एम माइनस में क्या हो जाएगा यहां से थ्री एम हो जाएगा दिस इज इक्वल टू क्या जाएगा यहां से वन के इक्वल हो जाएगा क्योंकि फोर से फोर्थ कैंसिल आउट हो जाएगा जब यहां से मॉडल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा यहां पे आ जाएगा फोर एम हो जाएगा प्लस में का थ्री होल डिवाइड बाई हो जाएगा यहां से क्या फोर माइनस में का थ्री एम हो जाएगा दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ वन आ जाएगा एक बार इसको हम सिंप्लीफाई करने के सॉल्व करेंगे क्या वैल्यू हो जाएगी फोर एम प्लस थ्री डिवाइड बाई हो जाएगा से क्या 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 माइनस में हो हो जाएगा क्या? हो जाएगा इसको इक्वल टू प्लस तो जब यहाँ से इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो क्या वैल्यू हो जाएगी फोर प्लस में हो जाएगा थ्री इक्वल टू हो जाएगा यहां से क्या फोर माइनस में क्या थ्री एम आ जाएगा जब इसको सिंपलीफाई करें तो क्या हो जाएगा सेवन एम हो जाएगा सेवन एम इक्वल टू क्या वन आ जाएगा एम की वैल्यू क्या फाइंड आउट हो जाएगी यहाँ से एम इक्वल टू हो जाएगा दिस इज वन बाई क्या सेवन और माइनस की जब लेके सॉल्व करें तो क्या वैल्यू हो जाएगी यहाँ से फोर एम हो जाएगा प्लस में क्या थ्री हो जाएगा होल डिवाइड बाई क्या वैल्यू आ जाएगी फोर माइनस में क्या हो जाएगा थ्री एम इसकी क्या हो जाएगा माइनस वन की इक्वल हो जाएगा जब यहाँ से इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो क्या वैल्यू हो जाएगी यहाँ से फोर माइनस में क्या फोर प्लस थ्री हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ से प्लस में क्या एम हो जाएगा सॉरी थ्री एम तो हमें यहाँ से एम की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस ऑफ सेवन हो जाएगा था। हमें से बाई से हो गया और क्या आ गया एम की वैल्यू क्या माइनस सेवन आ गई और हमें बोल रहा था ऑलरेडी की लाइन किससे पास हो रही एक पॉइंट क्या दिया यहाँ से वन कामा क्या टू दिया हुआ है इस पॉइंट से पास हो रही तो इसको हम हाँ से है ए कंसिडर कर लेते हैं तो हमें यहाँ पे एक्वल टू क्या क्या दे रखा है वन... वन क्या तू. तो यहाँ से क्या हो जाएगी ये वन कामा टू आ जाएगा और तो हम यहाँ पे स्लोप की लाइन की इक्वेशन लिखेंगे क्या होगा वाई माइनस हो जाएगा वाई वन इक्वल टू हो जाएगा क्या एम एम इंटू एक्स माइनस ऑफ एक्स वन होता है अगर हमें एक लाइन की इक्वेशन लिखनी है स्लोप फॉर्म में क्या ये इक्वेशन होती है जब यहाँ से इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो क्या वैल्यू हो जाएगी हो जाएगा वाई माइनस हो जाएगा टू इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से क्या वन बाई सेवन इंटू में क्या हो जाएगा एक्स माइनस में वन आ जाएगा तो इसको जब सिंप्लीफाई करूँ तो क्या वैल्यू हो जाएगी सेवन माइनस हो जाएगा यहाँ से क्या फोर्टीन दिस इज इक्वल टू x माइनस में हो जाएगा यहाँ से वन हो जाएगा तो यहां से क्या वैल्यू हो जाएगा x माइनस में हो जाएगा सेवन बाई प्लस में क्या आ जाएगा 13, 0 हो जाएगा जब हमने यहाँ पे स्लोप क्या लिया वन बाई सेवन लिया था और जब हम यहाँ पे स्लोप क्या पुट करेंगे माइनस सेवन पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहां से हो जाएगा y माइनस में हो जाएगा क्या वन बाई माइनस में क्या टू इक्वल टू हो जाएगा क्या माइनस ऑफ हो जाएगा सेवन और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स माइनस में क्या x माइनस ऑफ वन हो जाएगा जब इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा बाए 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 टू की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस ऑफ हो जाएगा सेवन एक्स प्लस सेवन तो क्या हो जाएगा यहाँ से प्लस में हो जाएगा y दिस इज इक्वल टू क्या नाइन आ जाएगा एक इक्वेशन में ये फाइंड आउट हो जाएगी दूसरी इक्वेशन क्या ये हो जाएगी तो सिंपल हमने क्या क्वेश्चन में बोला दो लाइनें दूसरे की दी हुई एक पॉइंट एक इंटरसेक्ट करती जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया देखा कि दोनों लाइनें क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो हमें एक एक, एक, एक ऐसे लाइन दो ट्रक किया दो एक दूसरे परपेंडिकुलर हो गई तो यहाँ से पॉइंट ए हो गया फिर हम क्या थे जब दो क्वेश्चन बोल रहा है कि हम दो पॉइंट दो पॉइंट ऐसे लेते हैं जो ऐसे लेते हैं बी और सी जिससे क्या होता है ए बी इक्वल टू क्या ए सी हो जाता है हमने ए बी इक्वल टू ए सी लिया तो इसको उसको इसी कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पे क्या हो गया जब दो लाइन आपस में अभी ट्रेंगल हो गया जब ट्रेंगल प्रॉपर्टी होती है अगर कोई भी दो साइड इक्वल है तो मतलब उसके अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाते हैं इस प्रॉपर्टी से हमने यहाँ पे क्या कि ये दोनों एंगल इक्वल हो गए फिर हमने क्या कि हमें इस लाइन ए सी लाइन हमने कहा स्लोप एम कंसिडर कर लिया और हमें पॉइंट दिया है क्योंकि क्योंकि हमें हमें फाइंड आउट करना है क्योंकि हमें एक, एक लाइन की क्वेश्चन और एक स्लोप चाहिए होती है तो हमें क्वेश्चन पॉइंट ऑलरेडी दिया हुआ था और स्लोप फाइंड आउट करना था तो फिर हमने क्या देखा कि जो लाइन ए सी हो गई लाइन बी सी हो गई तो यहाँ पे इनके बीच में एंगल थीटा दिया है या ए बी और बी सी के बीच में तो हम यहाँ पे वाला फॉर्मले अप्लाई कर दिए कि जब दो लाइन के बीच एंगल दिया होता है तो हम ये अप्लाई करते हैं इस से फॉर्मले हमने क्या किया कि इस फॉर्मले से इसको सिंप्लीफाई किया तो हम यहाँ से एम के दो वैल्यू फाइन टूटे एक वन बाई सेवन दूसरी क्या होगी माइनस में सेवन हो गई जब यहाँ से इसको मैं सिंप्लीफाई किया तो क्या वैल्यू आएगी एक सेवन एक्स प्लस बाई इक्वल टू नाइन हो गया एक्स माइनस सेवन बाई प्लस थर्टीन इक्वल टू किया जीरो हो गया हम यहाँ सी किया दो वैल्यू इक्वल आ गई मतलब दो दो इक्वेशन आ गई बी सी की